साथियों, आप यहां देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। आप में से अनेक छोटे छोटे गांवों और कस्बों से हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं। मुझे आप सभी के परिश्रम का एहसास है, आपके समर्पण का एहसास है। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि यही परिश्रम हम सभी को समर्थ बनाता है, हमारी नींव को ठोस करता है। परिश्रम का क्या परिणाम होता है, ये जानने के लिए एनसीसी के आप सभी कैडेट्स को बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर से ही अनेक साथियों ने हाल में ही अद्भुत हौसला दिखाते हुए देश को गौरव के पल दिए हैं। पर्वतारोहण और ट्रैकिंग जैसी साहसिक गतिविधियां हो या फिर खेल के मैदान पर तिरंगा लहराने का काम, अनेक कैडेट्स आगे आए हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्टर की कैडेट हिमा दास को तो आज दुनिया गौरवपूर्ण रूप से जानने लगी है। धान के खेतों में दौड़ते दौड़ते, खेतों की पगडंडियों पर संतुलन साधते हुए हिमा दास आज इस स्तर पर पहुंची है। अभाव को अवसर बनाते हुए हिमा ने पहले जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और फिर एशियाई खेलों में देश को गौरवान्वित किया है। ऐसी अनेक युवा प्रतिभाओं को जब मैं देखता हूं, जब उनसे मिलता हूं, तो मेरा भरोसा तो मजबूत होता ही है। इस भरोसे को और सशक्त करने की ऊर्जा भी मिलती है। साथियों, सपने देखना और आकांक्षाओं को उड़ान देना, यही युवा की पहचान होती है, यही उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अपने सपनों और आकांक्षाओं को और ऊंचा उड़ने दीजिए, अपने प्रयासों का पूरा विस्तार दीजिए। वर्तमान सरकार देश के हर युवा को, हर सपने देखने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है और कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए तैयार है। नया भारत हर कर्मयोगी को सम्मान देगा, अवसर देगा। आप सभी साथी जब देश की वर्कफोर्स में जाने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं, आपने किस परिवार में जन्म लिया, आपकी जान पहचान किससे है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके आधार पर आपका भविष्य तय नहीं होगा। आपका कौशल, आपका आत्मविश्वास, आपके पैर के छाले ही आपको परिणाम देने वाले हैं। साथियों, इस परंपरा को तोड़ने के लिए समाज में हर प्रकार के असंतुलन, असमानता को बांटने के लिए एक सार्थक प्रयास जरूरी है। वीआईपी नहीं, ईपीआई, यानी एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, इस संस्कार को मजबूत करने का प्रयास लगातार हो रहे हैं। गाड़ी के ऊपर से लाल बत्ती हटाई गई है, अब दिमाग से भी झटका इसको हटाने की कोशिश की जा रही है।